अच्छा ये बकरी है, ये वालदा है ये। माशाल्लाह इनकी हाइट देखें यार, क्या बात है, इनकी हाइट देखें यार, ये तो मेरे से भी बड़ा है यार। ये वीडियो बनाई कुछ नहीं कातिल भाई, ये देखो यार ये अच्छा, ये इसकी वालदा है, ये इस बकरे की। पीछे 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 चलो 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 है इसका। अच्छा ये वैसे ये कितने साल की होगी? ये तो मसेर तू मामा लग रहे हैं मेरा, एज पूछ रहे हैं अपने काम नाल काम रख निकल। चार एक साल की, अच्छा तीन चार साल में कितनी बड़ी हो जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है इसके एक बेबी ये, बाकी वो तीन जो है वो उनके हैं, वो गुआड़ियां दे। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग का टॉपिक ये था कि मैं सोया हुआ था अभी उठाऊँ, तो मैंने कहा चलो अपने ना डेरे पे जाते हैं आज, और उधर जाके आपको आज कबूतर शबूतर दिखाते हैं, मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखी हुई हैं वो दिखाते हैं। और कबूतर हैं बहुत ज़्यादा महंगे, ये सस्ते कबूतर नहीं है 200-300 वाले, कितने वाले कबूतर रखे हुए हैं। ठीक है तो अभी हम लोगों का सीन बनाया, हमने आपको जाके दिखाते हैं कबूतर शबूतर भी, और उसके बाद आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। तो बस हमारे साथ रहिए, हमारे व्लॉग में रहिए। एक हमारा लड़का वो बात शायद कर रहा है, दिखा सुनो, ये बात शायद कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ ठीक है, ये इसकी गर्लफ्रेंड बनी है। नहीं नहीं तो अभी हम चलते हैं, आपको कबूतर शबूतर दिखाते हैं, फिर आपके मिलते हैं आपसे। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम पहुंच गए हैं अपने डेरे पे। तो यहाँ पे हमारे ये माशाल्लाह कबूतर हैं, इसके अलावा मुर्गियाँ शुर्गियाँ हैं अपने डेरे पे। तो मेरे साथ सजावल भी हैं, हनी भाई भी है, उसके बाद अनिका भी है। आज बड़ा तैयार हो गया है वह, क्योंकि उसने आज लड़की ने प्रपोज किया है उसको, तो ये आज बड़ा तैयार शहर हुआ, बड़ा खुश है। ये हैं, इसको बोलते हैं केड़े, हवाई हवाई असील, हवाई असील की दुआ है असील। हाँ ये असील, हाँ ये हमारे यहाँ उर्दू में इसको असील बोलते हैं। ठीक है ये हमने कबूतर शबूतर रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये मुर्गे शुर्गे भी रखे हुए हैं, दो तीन मुर्गे ये हैं। और अभी ये बच्चे हैं, ठीक है इनको अभी हम बाहर नहीं निकाल रहे, इस वजह से कि उड़ जाएंगे। मनु भाई क्या हाल है, ठीक ठाक? मनु भाई ये कौन से कबूतर हैं, हवाई हैं दूसरे हैं? असील असील हवाई कबूतर, हवाई कबूतर हैं ये वाले। सही 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 सही, और वो अंडों पे बैठे हुए, वो दो उनके अंडे देखो तो खराब नहीं हो जाते? मुझे दिखाए ना अंडे यार, तो जैसे बटेरा मैं खाती कबूतर ही लाई हुए। हाँ ये अच्छा, ये कुछ ना अंडे शंडों पे बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा ये भी हैं, इसके अलावा वो भी दो तीन बैठे हुए हैं ये, ठीक है। हाँ एक ये बैठा हुआ कबूतर, ये वाले वीडियो बनाओ तो बाद शुक्र बंदे, ये वाले कबूतर जो ये सामने बैठे हैं बैठे बनाओ आराम से। अपनी बहन की सलाना और उड़ान होती है। अच्छा ये क्या नाम है? मनु भाई का बटेरे कबूतर। अच्छा 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 अच्छा, मनु भाई इनको उड़ान छुड़ान करवाते हो लोगों के साथ? सियालकोटी कबूतर मुकाबला जुड़ते हैं। तो ये कैसे उड़ान इनकी कैसे पता चलती है? हवा में चले जाए तो हमें क्या पता होगा कौन जीता है कौन नहीं? तैयार करके उड़ाने होते हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं। जो पहले वापस आएंगे वो जीत जाएंगे कबूतर। ज्यादा टाइम लगा के सर, सात मतलब सात सात कबूतर उड़ देना। अच्छा 11 कबूतर उड़ देना, सात ही उड़ देना। अच्छा अच्छा अच्छा, असू के बीच सात ते जेठ 11 उड़ देना। ए कबूतर की वीडियो बनाओ ना थी। अच्छा ये कबूतर वगैरह ये हमारे मन्नू भाई ने रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ अंडों शंडों पे बैठे हुए हैं, और ये सबसे कह रहे हैं अच्छे वाले नस्ली कबूतर हैं, ठीक है। बटेरे सियालकोटी बटेरे, अच्छा इनका नाम है सियालकोटी बटेरे। ये फिर इनको इन्होंने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। बाकी इनको ट्रेन श्रेन करते हैं ये, फिर हर साल इनकी मतलब वो करवाते हैं, इनके उड़वाते हैं, तो फिर जो लेट घर आता है वो जीत जाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारे कबूतर हैं, एक वो बैठा हुआ है, बाकी ये हैं कुछ बाहर हैं। ये मादी ये अंडे पे बैठी हुई थी, ये इसका अंडा है, ठीक है। ये कितने दिन बाद बच्चा शच्चा निकल आएगा? 18-19 दिन बाद इनका बच्चा निकल आएगा। वो बच्चे हैं रामपुरी मादी के। अच्छा ये रामपुरी मादी है, रामपुरी मादी और गोल्डन कबूतर के बच्चे हैं वो, साथ में बैठे हैं सब। हाथ में इन्होंने उड़ा दे नाल ही कहीं लाई बंद कबूतर बटेरे। हाँ और ये भी बटेरे, और ये भी बटेरे। हाँ माशाल्लाह। अच्छा इनको इसलिए अलग रखा हुआ है ये, फिर उड़ाते हैं इनको ना, बच्चे उड़ाने। अच्छा इनके बच्चे, सही सही। एक बच्चा बता, एक ये कबूतर का बच्चा, ये भी ब्लैक भी बच्चा है ना ये वाला। एक और बच्चा बैठा, बच्चा बटेरे का। हाँ ये उनके बच्चे हैं सारों के। बंद करिए सर,
शुक्र ही पता लगा मैंने बताऊं दे बहा भाई मैंने ना पता है रेस भी होनी है ये देखें ये भी हैं। अच्छा ये जो सारे इनके वो बच्चे अंदर थे जिनको अभी ट्रेन कर रहे हैं ठीक है, फिर इनकी रेस वगैरह भी होगी जब भी इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएंगे ये भी। हाय हाय अच्छा इन्होंने मुर्गे शुरगे भी रखे हुए असील। अच्छा ये इन्होंने केसा बनाया हुआ है जिसके अंदर कबूतर इधर रखते हो उधर रखते हो ना, तो इसके अलावा ये देख सकते हैं इन्होंने भैंसे शैंसे रखी हुई हैं और ये गायें गायें होंगी भैंस होंगी वो उसके ऊपर 70 और 15 क्यों लिखा हुआ है ये फार्म फार्म तो नहीं है। अच्छा फार्म से आई थी ये सही सही। अच्छा ये कबूतर वगैरह गाइस देख सकते हैं इनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, बाकी इनके पास बहुत महंगे महंगे कबूतर हैं, इनका नाम था इन्होंने बहुत ज्यादा रखे हुए थे तो इन्होंने बहुत कम कर दिए। किधर हाँ ये देखिए ये भी है कोई परिंदा है, इसका क्या नाम होता है इसका क्या ये क्या करती है अच्छा अच्छा ये देख सकते हैं मुर्गा भी ये भी अंदर हुआ है। वाह भाई बंदे शरिंदे रखे हुए हैं कुछ हमारे मुर्गे शुरगे इधर आगे पीछे चले गए हैं मोटर ही चला दी गई नहीं मोटर ही से क्या क्या। अच्छा ये इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है चलाएं वाला इसको। अच्छा अच्छा इधर स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है वाह क्या बात है। अच्छा 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 ये देखिए इधर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है इन्होंने ये हाँ ये देखा फौरन पानी आ जाएगा ओए माशाल्लाह। ये वैसे किस लिए बनाया हुआ है अच्छा जमीनों को पानी देने के लिए। अच्छा ये जमीनों को पानी देने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है ये देखिए वो पानी है यहाँ से जा रहा है और इन जमीनों वगैरह को लगेगा बंदा यहाँ पे अपने बतखे छतके भी रख लो इधर छोड़ दिया करो हाँ बतखे छतके भी लिया है ना चलो ये इसको बंद कर दो बस पानी जाया हो रहा है। अच्छा ये भी है इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी कितने मज़े की जगह है और ये इन्होंने बनाया हुआ था बाकी कबूतर शबूतर भी मैंने आपको दिखाए हैं और इसके अलावा हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये डॉग वगैरह भी रखा हुआ है इन्होंने ए वो गुलटरी है ना हाँ ये गुलटरी देखिए हर चीज़ इन्होंने मतलब इस तरह रखी हुई है और फुली ट्रेंड है देख सकते हैं कबूतर भी फुली ट्रेंड है और शाम के टाइम इनको थोड़ा थोड़ा उड़ा देते हैं बाकी इनकी फिर साल के बाद रेस वगैरह होती है चलो रेस वगैरह हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ओके हो गया मार देता सपनों तो सब इन लड़ता छिड़ता कोई नहीं लड़का ये भी मुर्गे शुरगे रखे हुए असील ठीक है। इसके अलावा वो देख सकते हैं कबूतर चबूतर आ रहे हैं अभी दाने शाने खाने हैं। अच्छा कुछ कुछ कबूतरों को इन्होंने कलर वगैरह लगाए हुए हैं क्योंकि ना वो ये होता है कि ताकि उड़ के जाए ना तो हमें पहचान हो कि ये हमारे अपने कबूतर हैं। बहुत महंगे कबूतर हैं गाइस बहुत ज़्यादा ये महंगे कबूतर हैं इनके ही बच्चे जो अंदर मैंने आपको दिखाए हैं जो ट्रेन कर रहे हैं ठीक है। बाकी ये सीन है कि ये भी मुर्गा है इसको इसलिए बाहर नहीं निकालते क्योंकि ये फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं ठीक है। हाँ जी कैसे हो ठीक हो माशाल्लाह प्यारे लग रहे हो हैं क्यूट लग रहे हो आज इन्हें दुआ सामने तो मुसली लगते हाँ जी। तो ये होते हैं शुगर कैन गन्ने ठीक है ये हम सर्दियां आ रही हैं उसमें सेल आउट करेंगे ठीक है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें बनती हैं सर चीनी बनती है गुड़ बनता है पतीसा बनता है ओके होता वो जरा पात 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 जा पात सा बनता है इसके साथ ये बड़े मज़े मज़े की इसके साथ चीज़ें बनती हैं ठीक है। ये भी ये अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना ये भी थोड़े बड़े हो रहे हैं ये रेडी शेडी हो रहे हैं फिर उसके बाद इनको सेल वगैरह कर देंगे ठीक है। हूँ तुम मेरा पुत्र बन के डू डू टोक के तो अभी ना हम आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहे हैं बाजरा
ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਗਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਅੱਛਾ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੂਗਾ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੋ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੈਂਸੇ ਸ਼ੈਂਸੇ ਖਾਤੀ ਹੈ ਓਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਯਾਰ ਜਵਾਰ ਜਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਦੂਗਾ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਲਿਓ ਵੇਖ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਕੋ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਬਾਜਰਾ ਕੋ ਨੈਟੀਅਰ ਨੈਪੀਅਰ ਨੈਪੀਅਰ बाकी इनको भी अभी व्लॉग वाइज लगा देंगे क्योंकि मैं तो वेला हूँ तो इनको भी ये भी वेले ही होते हैं तो इनको भी व्लॉगिंग श्लॉगिंग पे लगाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी तो अभी हम आ गए हैं अपने हनी के डेरे पे। ठीक है ये हनी लोगों का डेरा है जहाँ पे इन्होंने अपनी गायें भैंसें वगैरह रखी हुई हैं। देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी हेल्दी हैं। क्या बात है अच्छा अच्छा हनी ये रखी हुई हैं आप लोगों ने। हनी ये भैंस है ये क्या है ये गाय ये गाय और वो और आगे वाली बैठा वैड अच्छा वैड जो मतलब बच्ची 18 साल की अच्छा अच्छा छोटी बच्ची और ये तकरीबन होगी 20 थी इसकी 30 की कार लगभग 20 30 महीने की या साल की वैसे कह रहा हूं यार टेंशन जान का सुआ है इसका। अच्छा दी वैसे ये कितने साल की होगी ये तो है तकरीबन 4-1 साल की। अच्छा 3-4 साल में कितनी बड़ी हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है इसके एक बेबी ये बाकी वो तीन जो है वो उनके हैं वो गुआडिया दे वो गुआडिया लीड। अच्छा इनकी इसकी इसके ये दो हैं अच्छा अच्छा उसके उसके ये दो हैं ये काला भी इसके उसका है नहीं नहीं काला इसका काला इसका है। यार बड़ी लंबी कहानी है भैया तो बड़ा मुश्किल है समझना ते ओ किदा विच दूध केड़ी खड़ियां देनी है अच्छी तीन दूध ये अभी सुए पे इसलिए नहीं दे रही ना ये अभी सुने वाली है ये अली भाई ये दो वर्षीय दी है रत्ती गां ने ये भी ये जब बड़ी होंगी तो ये भी उन जैसी बन जाएंगी ये अली भाई उसने जुड़वा ट्विंस अच्छा ये ट्विंस हैं ये और ये दोनों ये दो। बहने भाई हैं बहने हैं दोनों ये हमारे जो हैं चाची जो बनाते हैं खान लास्ट आप इनकी वीडियो जी हमारे आ रहे हैं तो गिर मामू भी है हीरो आ रही जिनके माशाल्लाह डेरा ठीक है या गुड डे गुड गुड किधर ले गया ना उधर से लेके आ रही हो अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल आज हमने कहा आपके डेरे को विजिट करते हैं जरूर वीडियो वीडियो बना रहे माशाल्लाह आपकी मुझे दिखाएं भैंस बड़ी प्यारी लगी तो ये ना इस पे चारा वगैरह करते हैं ये तो पीटर इसको ऐसे से करते हैं तो ये चारा वगैरह ऐसा बन जाता है ठीक है होता वैसे है डमी ना ये देखिए ये ऐसे होता है जब इसको इसके पीछे से डालते हैं ना तो ये ऐसे बन जाता है। क्या बात है यार फिर ये खाती है वापस पूरा सारा दिन रात। अच्छा वो आपने ये खाया है नहीं मुर्गा जी अच्छा ये हनी ने मुर्गा रखा हुआ है सील ठीक है इसकी लड़ाई शड़ाई कह रहा है मैंने करवाई है एक दो दफा ना अभी तक खास ट्रेन नहीं है ये हनी नप तो सही नाप एक बारी मैं भी नपे सा बाकी वो देखिए हमारा एक छोटा कितनी मेहनत कर रहा है कितु लैके आंदा भी पुट्ठे। तो ये देख सकते हैं गाइज ये हमारे जो अभी यहाँ से अंकल गुजर के गए हैं ना उनका ये यूट्यूब चैनल है ठीक है मस्ट वॉच करना इन्होंने इन्होंने भी मतलब जानवर वगैरह से रिलेटेड वीडियोस चढ़ाई हुई हैं। इसके अंदर मेरे भाई भी हैं दाऊद भाई ये खड़े हुए हैं देख सकते हैं ये देखें ये दाऊद भाई शौकीन सारे बकीन का चैनल है इनके चैनल को विजिट करें इनकी वीडियो शूडियो। हाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल है मामू हाँ अलहमदिल्ला बड़ा अच्छा चल रहा है ये सारे निक्के मेरे ये हैं जिनका वो यूट्यूब चैनल है ठीक है मेहनत कर रहे हैं इन्होंने बकरियाँ शकरियाँ रखी हुई हैं इनकी बकरियाँ भी आपको विजिट करवाते हैं बाकी इनकी इन्होंने बकरियाँ बड़ी महंगी महंगी रखी हुई हैं 4-5 लाख की इनकी बकरी है और अभी हम जाते हैं इनके इनके तेरे पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जान क्या हाल है ठीक है सेहत अभी ठीक है चैनल यूट्यूब का वीडियो शीडियो देख रहे हैं ये देखें जी साथ में कब्रिस्तान भी है और ये इस जगह को वो ना कर दिया मशीन के साथ रेजर शेजर कर दिया है तो इस पे हाँ अभी इस पे वो लगाएंगे ना कुछ है ना ना क्या लगाएंगे इस पे गंदम वगैरह लगाएंगे। बाकी मेरी टीम जा रही है देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एक दो ने हमें पीछे वो बाय बाय कर दिया था उन्होंने घर में काम कर रहे थे तो अभी हम जा रहे हैं आपको बकरियाँ दिखाते हैं अच्छा इन धारा बना रहे हैं माशाल्लाह। हाँ ये जो बना हुआ है सामने नहीं ये इधर नया बन रहा है ये तो बकरियों का फार्म है ना ये बकरियों का फार्म
अच्छा ये एक डॉग ये भी बैठा हुआ है गुलटरिया, और ये है राजन बकरी राजनपुरी बकरी। ये इनकी हाइट अभी बहुत छोटी है, इनकी हाइट काफी माशाल्लाह बड़ी होती है। और इसके अलावा भी हैं, बाकी वो आपको दिखाता हूँ। ये नया इधर बना रहे हैं डेरा शेरा घर शर बना रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। ओके, ये अदनान खान है। अच्छा ये उनके बेटे तो नहीं है अंकल के? अच्छा ये उनके बेटे हैं अंकल के, माशाल्लाह। इसने डॉग रखा हुआ, ये सिर्फ डॉग की देखभाल करता है ना, और किसी चीज की नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं। ओके, अच्छा ये हैं जी आगे अंदर बकरियां, आमिर सरी बकरियां। अच्छा अच्छा अच्छा, हाइट देख सकते हैं इनके कान। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए मारेगा तो नहीं ये अली भाई? हीरो ये हीरो है जी, हीरो। हीरो क्या इनकी नस्ल होती है कोई? इसका नाम हीरो है। अच्छा हीरो, ये जो बैठा हुआ है जी, ये नर है। इसको खड़ा करें, कानों की हाइट देख सकते हैं, कानों की हाइट देखो सर। इसको खड़ा कर बोला, ओए आ जाना, खड़ा हो जा वो भी। अच्छा ये बकरी है, ये इसके वालदा है ये, माशाल्लाह। इनकी हाइट देखें यार, क्या बात है, इनकी हाइट देखें यार, ये तो मेरे से भी बड़ा है यार। ये देखो यार, ये अच्छा ये इसकी वालदा है ये बकरी। हीरो खड़े एक दूसरे के बेटे बेटियां सारे बेटे बेटे। ये मस्तू है, ये अली भाई है। ओ वाली अंदर जो बकरी खड़ी हो जिसके लिए ये अली भाई मुझे तंग कर रही है अब। अच्छा ये ना क्या नाम है, ये जो बकरी है ना जो आल पाकिस्तान में जिनका नाम है, जिनका फार्म हाउस है जोराबाद, जोराबाद से है ना, जोराबाद में उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उधर से ये बकरी हमने लोगों ने इन लोगों ने ली। मियां अजरवान उनकी मतलब ये ना फार्म हाउस से ये बकरी आई हुई है, ठीक हो गया। वो ब्लैक अंदर खड़ी है। हाँ एक वो उसको अंदर अलग क्यों खड़ा किया हुआ है, ये देखो नहीं व्लॉग में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये लो आप भी व्लॉग में आ जाओ, ये देखो तंग कर रहे हैं यार। ये मालिक है जी इनका माशाल्लाह। तो अभी ना मैं आपको एक और बकरी दिखाता हूँ, वो उसको अंदर क्यों बांधा हुआ है, वो नहीं आई इसलिए उसको अंदर। अच्छा यहाँ से जगह भी है, वाह भाई नहीं हुई इसलिए इसको दो तीन दिन। ये देखो नाल ना, ये देखो ना, इतना तंग करिए पीछे चलो ये माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह जरूर बोलना है, नजर ना लग जाए। कैसे हो, ठीक हो ना? है यार मैं जब स्कूल पढ़ता था ये ना हमारे साथ पढ़ते थे, ये भी और एक और भी था, हाँ छोटा था, बस हाँ यहाँ पे ना। अच्छा ये इनकी मतलब अब लास्ट है, इसके बाद जो अगला व्लॉग होगा उस पर मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। खैर ये व्लॉग बहुत फिर लंबा हो जाएगा। बाकी ये देख सकते हैं ये गाय भैंसे वगैरह रखी हुई है माशाल्लाह, और ये वलैती हैं। मैं क्या पता, मैंने दसो मैं दस आना मैं जी डंगर ही रहा सारी जिंदगी। ये ब्रीडर वलैती वच्छा वुछी बच्छे खोते माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह जरूर बोलना है। बाकी आपको किसी भी किस्म की अगर कोई जानवरों से रिलेटेड बात पूछनी हो तो इनसे पूछना, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। हाँ मुझे भी नहीं पता है, तो बल्कि व्लॉग आगे भाई एंड करें, इसलिए अभी हम घर चलते हैं अपनी, फिर अपना व्लॉग एंड करेंगे। ओके 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 जानू, लाफिस छोटो लाफिस, शर्मान दे पैन। अच्छा ये शॉर्टकट रास्ता है, हम घर जा रहे हैं। ये था हमारा एक दो डेरे थे, ठीक है, जिसमें एक अनिल लोगों का डेरा था, एक इनके चाचू का डेरा था, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर वगैरह रखे हुए हैं। और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा ताकि हमारे जानवरों को नज़र ना लगे। इसके अलावा भी बहुत से जानवर थे, लेकिन वो अभी हम व्लॉग को एंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे व्लॉग बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो अगर आपको किसी जानवर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो इन भाइयों से पूछ सकते हो, नंबर दे देना, मेरा नंबर भी ये इनको नंबर शंबर मैं अपना दे दूँगा, तो जो लोग मेरे को पूछते हैं मैं थोड़े को पूछ के अंदाज दे सा। तो बाकी मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा आपका, और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।